नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी। मैं हूं गौतम ठाकुर। आवाम की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। वो दिन आ चुका है जनाब जिसका पूरे भारत को बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का। जी, तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं चुनाव आयोग द्वारा। 11 अप्रैल से चुनाव शुरू हो जाएंगे और 7 चरण में 19 मई को ये जो मतदान है वो संपन्न होंगे। 23 मई जनाब वो तारीख है जब ये तय होगा कि भारत की सियासत, भारत को विकास की ओर ले जाने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आएगी, और यही तय करेगा आने वाले 5 साल में भविष्य किस ओर जाएगा भारत का। ये तय होगा जनाब। जिम्मेदारी आपकी भी बहुत बड़ी है क्योंकि आपको सोचना है, परखना है, हर चीज़ का आंकलन करना है कि आखिर वोट आपको किसको देना है और किसको इस भारत की सियासत पर काबिज करना है। तो चलिए आवाम के बीच निकलते हैं, उनसे ये जानते हैं कि आखिर 2019 के चुनाव के क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर दोनों पार्टियां या फिर कहा जाए तमाम पार्टियां झगड़ रही हैं, और कौन से मुद्दे होने चाहिए। चलिए जनाब, अब कुछ आम लोगों से भी बात कर ली जाए, अपने आवाम से बात कर ली जाए, और ये जानते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि अब कितना प्रेशर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर होना चाहिए, क्योंकि डेट्स जो हैं वो अब सामने आ चुकी हैं कि चुनाव किस किस तारीख को, किस किस दिन और किस चरण में होंगे और किस राज्य में कब होंगे। तो मेरे साथ कुछ नौजवान हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम है वागीशा। वागीशा, क्या करती हैं? मैं एक IT कंपनी में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, सो इस बार वोट डालने जाने वाली हैं? यस, ऑफ कोर्स, जरूर जाने वाली हूँ। आपका नाम जाना चाहो? माय नेम इज सुमित बजाज। पहली बार वोट डालेंगे या डाल चुके हैं? बहुत बार डाल चुके हैं। कूल, बहुत बार। आपका सर? वरुण सहदेव। वरुण सहदेव कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं? अरे, दिल्ली वाले तो वैसे ही राजनीति के मामले में बहुत तेज होते हैं। बिल्कुल। तो चलिए आपसे शुरुआत मैं करना चाहूँगा, क्या लगता है कि राजनीतिक पार्टियाँ कौन से मुद्दों पर अभी लड़ रही हैं, उन्हें कौन से मुद्दे अहम लगते हैं जिस पर जो लोगों को लुभाने के लिए ज़रूरी है? मेरे ख्याल से मैं तो अपना वही पॉइंट रखना चाहता हूँ कि करप्शन पे सबसे ज़्यादा इस टाइम फोकस किया जा रहा है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर बेस है हमारा एंड जो फार्मर एरिया जो है, रूरल एरिया जो है हमारे इंडिया का, उसको मुद्दे बहुत रखा जा रहा है आजकल, एंड उसी को लेके आजकल चर्चा बहुत ज़्यादा हुई जा रही है। आपको क्या लगता है कि कौन से इंपॉर्टेंट होने चाहिए? ये तो इंपॉर्टेंट हैं भी, आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे हैं जो किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं छोड़ने चाहिए, और उसको अगर वो छोड़ते हैं तो खामियाजा ज़रूर उन्हें भुगतना पड़ेगा? वेल, आई थिंक फर्स्टली जो हमारा रूरल एरिया है इंडिया का, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की जो है रिक्वायरमेंट, दैट शुड बी अपमोस्ट प्रायोरिटी। सेकेंडली जो हमारे कॉमन पीपल हैं, जो हमारे मिडिल क्लास पीपल जो हैं, उनके लिए भी ये चीज़ रखनी चाहिए कि भाई उनको हर चीज़ का बेनिफिट हो, एंड बस यही मेरा व्यू पॉइंट है। मुझे लगता है मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप कोऑर्डिनेटर हैं, आप जानती हैं कि किस चीज़ को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बना के इस 5 साल को निभा पाई है? 5 साल को निभा पाई है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि वो पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ इस चुनाव के लिए रेडी हैं। जिस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रैटेजीज लगा रखी हैं, जिस तरीके से एक एक चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है टू मतलब अपने फ़ायदे के लिए, आई थिंक वो पूरे तैयार हैं। मौजूदा जो सरकार है उनके नज़र पूरी गड़ी हुई है कि इस बारी तो हम जीत कर ही दिखाएंगे, एंड मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो सफल भी होंगे। डेट्स जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं कि चुनाव कब हैं, क्योंकि हर एक को इंतजार रहता है लोकसभा चुनाव का, और ये इंतजार सबसे ज्यादा रहता है कि कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी और कौन सी पार्टी सिंहासन संभालेगी। तो आपको क्या लगता है कि वो जो एक्साइटमेंट है, क्या चुनावी पार्टियों पे इस समय दबाव होना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि उनके कामकाज को लोगों ने किस तरीके से समझा? बिल्कुल, दबाव होना चाहिए और दबाव है भी, एंड इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आई थिंक कोई भी पार्टी अगर जीतती है या हारती है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। मोदी जब आए थे सत्ता में पिछले चुनाव में, मुझे लगता है उसमें 50% हाथ तो मीडिया का ही था, जिस तरीके से मीडिया ने उनको प्रमोट करा, उनका उनकी अच्छाइयों को सामने लाया। और अभी भी अगर हम देखें तो जो भी कुछ हो रहा है, मुझे लगता है हमारा पॉलिटिकल ओपिनियन जो होता है वो डिफाइन होता है मीडिया के थ्रू, बिकॉज हमारे हमें क्या मालूम है क्या हो रहा है, आप लोग हमें बता रहे हैं, मतलब मीडिया से हमें पता चल रहा है तभी हमें पता चल रहा है। तो डेफिनेटली प्रेशर उन पे है बहुत ज़्यादा, और वो मीडिया के थ्रू उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेट भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, या प्रोपेगेट भी कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का जो रोल है सही तरीके से जो दायित्व निभाया जाए तो वो ज़रूर काम आता है। आपसे जानना चाहूँगा कि जितना भी विपक्ष है वो आज एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कितनी बड़ी टक्कर जो है मौजूदा सरकार को इस महागठबंधन से मिल पाएगी? आप क्या? आई डोंट थिंक सो कि टक्कर मिल पाएगी, बिकॉज इस टाइम जो मोदी जी की सरकार कर रही है, आई थिंक प्रोपागेंडा, एज शी सेड, प्रोपागेंडा इतना उस लेवल तक गिर चुके हैं मीडिया वाले कि वो दे आर एब्सोल्युटली, यू नो,
biased which we feel, but the if we go about the facts, अगर आप एक इंसिडेंट देखिए 2016 में ये बोलते हैं मोदी सरकार की हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, वी डो नॉट हैव एनी प्रूफ. 2019 में मूवी आती है, वी डो नॉट हैव एनी प्रूफ. देन एक और सर्जिकल एयर स्ट्राइक होती है, वी डो नॉट हैव एनी प्रूफ. नाउ एक और बॉलीवुड मूवी, दैट्स इट. सो यू नो इट्स ऑल मीडिया प्रोपेगेंडा, अदरवाइज नथिंग एल्स इज गोइंग ऑन व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर इंटेलिजेंस. यू नीड टू गिव सम प्रूफ्स, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग. महागठबंधन की जहाँ तक बात है, I don't think so कि इतने बड़े propaganda, 60,000 crore, 50,000 crore are being invested into politics or elections and propaganding their own ideas into market. It's not gonna work. लगता है कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे? चलिए अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक को थोड़ा सा साइड पर रखें, क्योंकि वो एक सेना की बात है, उस पर हम डाउट नहीं भी करना चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां क्या लगता है कि इस बात को ज़्यादा भुनाएंगे और इसका असर भी पड़ेगा स्ट्राइक्स की अगर हम बात करें? स्ट्राइक्स की अगर हम बात करें तो एक अभी रिसेंटली अपोजिशन एक फायर बैक कर रही है कि रफेल, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि रफेल इज़ ओनली द रीज़न जिस पे उनको प्रोपगेट. पावर्टी कितनी हो रही है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे अपने इंडिया में कुछ ग्रोथ पाथ दिखाई जा रही है. इट्स ऑल ऑन पेपर्स, लेकिन अगर आप जैसे सर्वे कर रहे हैं तो कोई और भी किसी और गरीब के पास भी जाके सर्वे करेंगे, वो आज वैसे ही परेशान है जैसे 5 साल पहले था, राइट? सो देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट. ओनली इम्प्रूवमेंट इज़ दैट आप US जा रहे हो, आप डिफरेंट टूअर्स कर रहे हो, दैट्स ऑल वॉट वी आर हियरिंग, नथिंग एल्स. तो लगता है कि ये भी मसले होने चाहिए जिन पर बात होनी चाहिए, क्योंकि आज जो है एक पार्टी ने जो अपने कार्यकाल में काम किया उसको लेकर बात होगी, लेकिन वो चीज़ें जिसको लेकर 2014 में वादे किए गए थे उन चीज़ों को लेकर बात नहीं होगी. जिसे हम कहते हैं मैनिफेस्टो, अगर हम उस टाइम का मैनिफेस्टो देखें और इस बार का मैनिफेस्टो देखें तो आई डोंट थिंक सो कि 2014 का मैनिफेस्टो अभी तक फुलफिल हो पाया, एंड वी आर प्रेजेंटिंग विद जो पुराना बैकलॉग हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको कवर अप करें नए वाले मैनिफेस्टो में, एंड देन वी गो ऑन एडिंग न्यू थिंग्स इनटू आवर बैकलॉग. सो वी आर नॉट फिनिश्ड विद द प्रीवियस बैकलॉग, एंड वी आर यू नो शोकेसिंग अ न्यू प्रोडक्ट ऑल टुगेदर इनटू द मार्केट. जैसे कि मैनिफेस्टो की बात हुई, 2014 में बहुत से कामों के वादे किए गए थे कि पूरे हो जाएंगे, यानी कि हमारी सरकार आएगी तो वो काम पूरे करेगी, लेकिन अब उनसे अगर यही सवाल किया जाए तो वो कहते हैं कि हमने कोशिश की, हमने प्रयास पूरे किए. तो प्रयास ज़रूरी है या फिर जो वादे किए गए थे वो पूरा करना किसी भी हद से वो ज़रूरी था? वादे जो किए गए थे उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सरकार ही अपने वादे पूरे नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये आप कह नहीं सकते कि हमने ट्राई किया पर हुआ नहीं. अगर सरकार से नहीं हुआ तो फिर किससे होगा? आपके पास तो अल्टीमेट अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, क्लियर उससे आप जीते थे, पूरे फुल अथॉरिटी के साथ आपने जीती थी आपकी सरकार, आपके पास फुल मेजॉरिटी थी हाउसेज में, फिर भी आपसे वादे नहीं पूरे हुए तो फिर क्या किया आपने? आपने जो भी किया सब कुछ स्टार्ट किया और ख़त्म कर दिया. जो भी वो अपनी डिमोनेटाइजेशन हुई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वहीं की वहीं ख़त्म हो गई, आम आदमी को परेशानी हुई, क्या फ़र्क पड़ता है यार? हमने तो प्रयास तो किया ना. तो यार अगर प्रयास, हम जैसे लोग कहें कि हमने प्रयास किया हमसे नहीं हुआ, चलो ठीक है माना जाता है. अब ये सरकार के पास जिसके पास अनलिमिटेड मेजॉरिटी है, अनलिमिटेड फंड्स हैं, अनलिमिटेड पावर है, वो भी अगर प्रयास पे ही चल रहे हैं तो फिर तो चल गया देश, ऐसे तो नहीं चल सकता ना. आपको अपने प्रयासों का कुछ रिजल्ट भी तो निकाल कर देना पड़ेगा ना. तो आई थिंक ये जो दलील है कि हमने प्रयास किया लेकिन पूरा नहीं हुआ, ये दलील नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी. 3 चीज़ें जो हमेशा राजनीति के अहम हथियार रहते हैं, सर आपके पास आना चाहूँगा. 1, नौजवानों का एम्प्लॉयमेंट, गरीबी और किसान की हालत सुधारना, जो शायद देश जब से आज़ाद हुआ तब से इसके बारे में बात हो रही है. आपको क्या लगता है कि हम हर पार्टी को लेकर बात करते हैं, कितनी इनकी स्थिति सुधरी? मैं सिर्फ बीजेपी को लेकर या एनडी को लेकर बात नहीं करता हूँ, आपने भी कई सालों से आप देख रहे हैं, 10 ऑब्जर्वेशन की भी अगर बात करें तो आप 15 से 20 साल से ऑब्जर्व तो कर ही रहे होंगे जब से आप स्कूल जाना शुरू किया होगा. कितना लगता है कि कौन सी पार्टी इन तीनों चीज़ों पे, इन तीन अहम हथियारों पे सही तरीके से काम कर पाई है? आई वुड से कि हाँ, बीजेपी जब से मोदी आया है, मोदी जी ने इन्होंने किए है इम्प्रूवमेंट, डीमोनेटाइजेशन पे भी इन्होंने वर्क करा है, एंड यू नो ब्लैक मनी पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एफर्ट लगाए टू स्टॉप इट. एंड उसके बाद अगेन लाइक विकिशा सेट की जैसे एफर्ट्स लगाए हैं और वो ग्रोथ नहीं मिली है या दिखी नहीं हमें, तो वो एक हम लोगों को दिखनी भी चाहिए कि भाई अच्छा ये काम चल रहा है, इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस, तो वो प्रोग्रेस हमें दिखनी भी चाहिए. हमें सिर्फ मीडिया के थ्रू ही पता चलता है, बट दैट्स अगेन ऑन पेपर्स, वी आर नॉट एबल टू सी और विजुअलाइज आवर सेल्फ कि भी हम आगे वाले 5 साल में हम क्या इसके आगे की प्रोग्रेस देखना चाहते हैं. बिल्कुल, मीडिया के थ्रू बहुत सी चीज़ें लोगों को पता चलती हैं, आम लोगों तक पहुँचती हैं, तो
आपको अपना दायित्व भी समझने की ज़रूरत है जनाब, कि मीडिया आपको जो दिखा रहा है वो कितना सही है। आप आंखें बंद करके विश्वास ना करें, आप सोचें, समझें, आकलन करें और अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा समय इन चीज़ों के लिए भी निकालें जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जनाब, अपने सफ़र को जारी रखते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नरेश अरोड़ा जी हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि तारीखों का जिस तरीके से ऐलान हो गया है तो इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं और बीजेपी पार्टी का जो प्रेशर है वो भी शायद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नरेश जी, आपका स्वागत है आवाम की आवाज़। धन्यवाद भाई सर। क्या लगता है कि कौन से वो अहम मुद्दे रहेंगे, मैं सीधा मेन सवाल पर ही आता हूँ, कि बीजेपी के कौन से वो अहम मुद्दे रहेंगे जिस पर वोट मांगे जाएंगे? बीजेपी का मुद्दा जो विकास का मुद्दा है, 5 साल जो हमारी सरकार ने काम किया, उस मुद्दे पे हम लोग वोट मांगेंगे, उस मुद्दे पे जनता के बीच में जाएंगे। देश की सुरक्षा के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले दिल से काम किया, उसके वो मुद्दों को लेके हम देश की जनता के बीच में जाएंगे और अपने कामों को गिनवाएंगे, जिसमें गरीब जनता के लिए वे काम किए, GST को लेके काम किया और ऐसे ही मुद्दों को लेके जाएंगे। कोई किसी भी तरीके का कुछ जाति विशेष जैसा ये लोग गठबंधन बना रहे हैं, जाति विशेष को लेके, धर्म विशेष को लेके, ऐसे को लोग नकार रहे हैं और विकास के मुद्दे पे ही वोट पड़ेंगे। आपने सुरक्षा की बात की, तो क्या ये समझा जाए कि जो स्ट्राइक्स हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई या एयर स्ट्राइक हुई, उसको भी भुनाया जाएगा बीजेपी के द्वारा रैलियों में, उसका भी बखान किया जाएगा, या फिर वो एक सेना का पराक्रम है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, भुनाने वाली मुद्दा तो बिल्कुल भी नहीं है भी उसको भुनाया जाएगा या किया जाएगा। हाँ, पर जनता के बीच में एक बात तो ये रखी जाएगी कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए जो देश की सुरक्षा को लेकर सजग हो और देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करे, ऐसा प्रधानमंत्री तो चाहिए। क्या लगता है कि अभी ये जो महागठबंधन है जो बन रहा है, कितनी कड़ी टक्कर जो है वो अभी देता हुआ नज़र आ रहा है? कोई मुकाबला नहीं है जी महागठबंधन का और प्रधानमंत्री मोदी जी का। सबको पता है मोदी के डर से ये गठबंधन बन रहा है, उनको डर है कि ये मोदी जी दोबारा आ गए तो जैसे काले धन पे और ये करप्ट लोगों पे कार्रवाई हुई है और जो कार्रवाई हो रही है वो और होगी, इसलिए इकट्ठे हो जाएं, नहीं तो नुकसान होगा। नुकसान इनको वैसे भी होगा, एक गठबंधन नहीं ये 4 गठबंधन बना लें, ये डर का गठबंधन है, महाठगबंधन है, तो इसका कोई असर नहीं होगा। देश की जनता ने मन बनाया हुआ है, देश की जनता मन बना चुकी है कि मोदी जी को दोबारा लेके आना है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि चलिए महागठबंधन की हम अगर इसको छोड़ देते हैं, साइड में रख देते हैं और बात करते हैं उन मुद्दों को लेकर जो 2014 में बीजेपी सरकार ने किया था, आपको लगता है कि वो मैनिफेस्टो में सारे मुद्दे जो हैं वो पूरे कर लिए गए हैं, जनता को अब नई चीज़ें दी जाएंगी, या फिर अभी भी आने वाले समय में अगर सरकार आती है तो कोशिश ये जारी रहेगी कि उन मुद्दों को और पूरा किया जाए? लगभग हर मुद्दे पर काम हुआ है, मैनिफेस्टो से ज़्यादा काम हुआ है। कुछ मुद्दे मैनिफेस्टो में नहीं थे, देश की सुरक्षा को लेके और देश के विकास को लेके जब सरकार सत्ता में आई तो देखा कि बहुत से काम ऐसे रह गए जो मैनिफेस्टो में नहीं थे, उसके बाद भी वो किए गए और उन कुछ लोग चीज़ों पे काम चालू हो चुका है और 5 साल और जो मिलेंगे उनको वो काम को पूरा भी किया जाएगा और नई चीज़ें भी जुड़ेंगी साथ में। ताकि रोजगार का मसला, किसानों की कर्ज माफी का मसला, ये दो चीजें ऐसी रहेंगी और खासकर राम मंदिर का मसला जो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो है अहम मुद्दों में रहेगा, राफेल डील का जो लगातार जो आपका विपक्ष है वो उसको लेकर बात कर रहा है, घोटाले को लेकर बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मुसीबत बनेंगे? राफेल का कोई मुद्दा ही नहीं है जी, जबरदस्ती, क्योंकि पिछली जो सरकार थी वो करप्शन के इशू पे गई थी, उनको लग रहा है कि मोदी जी के खिलाफ करप्शन का कोई मुद्दा नहीं मिला तो इसको उठाया जाए, और ये जनता भी जानती है मोदी जी की जो ईमानदारी है उस पर शक नहीं किया जा सकता, मोदी कैबिनेट की ईमानदारी पे शक नहीं किया जा सकता, मोदी की देशभक्ति को लेके शक नहीं किया जा सकता, तो ये जनता जानती है कि ये ज़बरदस्ती का मुद्दा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और समय समय पे हमारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी,
रविशंकर प्रसाद जी सब ने इस विषय पे बड़ा खुल के बताया है, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हों, जिनसे भी ये बात की गई है राफेल मुद्दे पे बड़े खुल के बताया गया, और जनता इस बात में भी सजग है कि ये जबरदस्ती का मुद्दा है, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला उनको और बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला इसका। ये जरूर देखा गया है कि अपने कार्यकाल में बीजेपी ने कई कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन वो ऐसे कौन से कदम आपको लगते हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं, और भले ही वो अच्छे के लिए उठाए गए हों लेकिन लोगों की नज़र में उनका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं बुरा पड़ा है? नहीं, ऐसा तो कोई भी मुद्दा नहीं है जो बीजेपी के लिए मुसीबत बने। हमारा लोगों से मिलना है लगातार, तो हम देखते हैं नौजवान मोदी के साथ है, बुजुर्ग मोदी के साथ है, गाँव की जनता मोदी के साथ है, जो ORP पे था, वन रैंक वन पेंशन पे था, वो फौजी मोदी के साथ हैं, तो हर तबके का लोग मोदी के जो नीतियां हैं उसके साथ है। तो कि किसान भी आपके साथ? बिल्कुल, किसान हमारे साथ है जी, जो 6,000 रुपये सालाना छोटे किसानों को देने का फैसला मोदी गवर्नमेंट का रहा, बहुत बड़ा था, आज तक किसी ने सोचा नहीं वो, और मोदी जी ने कर भी दिखाया। वो क्या वो नाराज किसानों को संतुष्ट करने का एक तरीका नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 3 बड़े राज्यों में किसानों, जैसा कहा जाता है कि किसानों के नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा, तो वो खामियाजा को ठीक करने के लिए, वो जो कहा जाए नाराजगी थी उसे दूर करने के लिए 6,000 रुपये की स्कीम निकाली गई? नहीं, ऐसा नहीं है, किसान शोषित था, अभी तक 70 सालों से किसी ने किसान के बारे में सोचा नहीं, तो मोदी जी ने उसके बारे में सोचा। ऐसा नहीं है कि किसानों को मनाने की एक कोशिश है, ये किसानों को, एक छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश है कि जो उनको नहीं मिल पाता था और मोदी जी ने सोचा उनको देना चाहिए, तो उनको दिया गया, नाराजगी वाली ऐसी कोई बात नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जनाब। लोकसभा चुनाव जिसका सभी को इंतजार था उसकी घोषणा तो हो चुकी है, तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर आने वाला समय जो चुनाव का है वो किस तरीके से गुजरने वाला है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रमन सिंह हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये क्या सोचते हैं। रमन सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आवाम के आवाज़ कार्यक्रम। धन्यवाद सर। अभी वो फीलिंग आ रही है एग्ज़ाम से पहले जब घबराहट होती है, जब डेट शीट आ जाती है, तो कुछ वैसी फीलिंग आ रही है आपको? देखिए, घबराहट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हम लोग तो तैयार हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है 138 करोड़ की आवाम हमारे साथ है, क्योंकि लगभग 5 साल का राज बीजेपी कर चुकी है, सिवाय जुमलों के कुछ मिला नहीं। क्या किसान को लागत पर 50% मिला? क्या हर साल 2 करोड़ रोजगार मिले? और आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या 15 लाख खातों में आए? कुछ भी निरंतर ऐसा एक जुमलों भरी सरकार का 5 साल बीतता है, इनके पास कुछ नहीं था, इन्होंने देश को बांटने का काम किया है। आप किसी भी राज्यों में चले जाएं, इन्होंने किसानों पे गोलियां चलाई हैं, उसके भी आपके सामने परिणाम आए हैं। अभी जो है कांग्रेस के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या जो जो चीज़ें आपने मुझे गिनाई, 15 लाख रुपए, जो 50% की आपने बात की किसानों को देने की, ये मुद्दे रहेंगे या फिर कोई और मुद्दे भी हैं जो आप सोच रहे हैं कि ये अहम निशाना हो सकते हैं? देखिए, मैंने ये मुद्दे तो बीजेपी के बताए थे जो अपने घोषणा पत्र में लेके सरकार बनाई थी जिन्होंने, लेकिन हमारे मुद्दे तो साफ है, हम किसानों की कर्ज माफी भी करेंगे, हम राफेल में जो 30,000 करोड़ अंबानी जी की जेब में गया है हम उसमें भी मुकदमा दर्ज करेंगे, और जो इसके गुनाहगार हैं उनको सलाखों के पीछे भी जाना होगा। और जहां तक युवाओं को रोज़गार की बात है, रोज़गार भी मुहैया कराए जाएंगे, और निरंतर देखिए देश को उस रोड मैप पे लेके जाएंगे जहां से हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई के भाईचारे को जोड़ करके सबका विकास सबका साथ, उस तरह की हमारी नीति नियत जैसे पहले रही ऐसे भी रहेगी आने वाले समय में। आप कह रहे हैं कि सभी धर्मों को एक साथ लेके जाएंगे, तो इस बार कांग्रेस जो है राम मंदिर को लेकर ज़्यादा उस बात को भुनाएगी नहीं लगता है? देखिए, राम मंदिर का आप देख लीजिए, बीजेपी जब सत्ता में आई उन्होंने खुला अपने घोषणा पत्र में लिखा था हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आप भी समझते हैं, इन्होंने ना एक माहौल बनाया था देश में, एक परसेप्शन, एक इस तरह का एक माहौल बनाकर ये लोग जनता के बीच में गए। इन्होंने 5 साल से कश्मीर सुलग रहा है, आप देखिए हमारे वीरों की शहादत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, 500 से ज़्यादा हमारे
जवान शहीद हो चुके हैं 5 साल में, उसमें कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी है, सीमा से इधर मुठभेड़े हुई हैं, सीज़फ़ायर का उल्लंघन, ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन इससे देश में एक मैसेज गया है कि ये सरकार फेल रही है। इन्होंने आप देख लिए हरियाणा 3 बार जल चुका है, सरकार कहाँ थी आप देख लिए, इन्होंने सिर्फ आप बांटने का काम किया है, कभी देश में ऐसी कोई विचारधारा ये लोग लेके नहीं आए कि जिससे सबका साथ सबका विकास हो। ये आरएसएस की थोपी हुई विचारधाराएं हैं जिससे देश बढ़ता है। अभी आप बात कर रहे थे सैनिकों की, तो चलिए उसी की अगर मैं बात करूँ कि जो अर्धसैनिक बल है, पुलवामा हमले के बाद राहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले, क्योंकि इनको तो शुरुआत से ही शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, तो उससे पहले जब कांग्रेस सरकार भी थी तब क्या उनके दिमाग में तब नहीं आया था कि इनको भी इस तरीके का दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है और हम इस बात के लिए वचनबद्ध हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस का हर सिपाही सेना का और सेना के जवान का बिल्कुल सम्मान करता रहा है और हमेशा करते रहेंगे, और हम आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल शहीद का दर्जा भी दिया जाएगा। और देखिए, आप अगर पिछले दौर में जाएंगे तो लगभग हमने 70 साल राज किया, जैसा कि मीडिया भी खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, तो इसका मतलब निरंतर हम 5 साल अच्छे काम करते गए हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में एक माहौल बन जाता है, जनता जनार्दन ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया, हमने उनका फैसला स्वीकार किया और हम आए। और देखिए, 5 साल से इन्होंने क्यों नहीं दिया, क्या इस बात पर सवाल नहीं है? अगर मैं आपकी पूरी बातों पर गौर करूँ तो एक तरीके से ये नज़र में आता है कि जो बीजेपी ने किया उसके अपोजिट आप उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विकास, जैसे कि शुरुआत में आपने कहा था कि विकास के मुद्दों पर बात होगी, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आता है, क्या लगता है? क्योंकि अगर हम भाषणों को भी खंगाल कर देखें तो ज़्यादातर चीज़ों में यही नज़र आता है कि मोदी को हटाना है, लेकिन विकास को लेकर बात नहीं नज़र आती है, जो एक राजनीतिक पार्टी का दायित्व भी होता है कि देश को विकास की ओर ले जाना और उसके लिए बात करना सबसे अहम है, ना कि जो मौजूदा सरकार है उसको हटाना। देखिए, विकास हमने हमेशा किया है, हम वचनबद्ध हैं इस बात के लिए। आप हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में 10 साल में कितना विकास हुआ है, इतना कभी ना ही किसी सरकार ने किया है, चाहे वो चौटाला साहब की हो। आप पंजाब चले जाइए, पंजाब में देखिए, शिरोमणि अकाली और बीजेपी ने नशे की मंडी बना के रख दिया था पंजाब को, चाहे वो गांव थे या शहर थे, युवा मतलब बिल्कुल नशे की तरफ थे। आप J&K चले जाइए, महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार चलाई, लगभग 3 साल का इनका उनके साथ समय बीता, वो जलता रहा कश्मीर। आप देख लीजिए, जब वसुंधरा जी का समय था, वो गुजरों को मीणों से लड़वाने की विचारधारा, आप यूपी चले जाइए, हिंदू मुसलमान का नारा दिया इन्होंने। मेरा ये मानना है कि जब आदमी जो जात और पात की बात करेगा वो कभी विकास नहीं करेगा। कहीं ना कहीं ये भी नज़र में आता है कि किसानों, जो किसान नाराज थे, जो कि बताया जाता है जिन राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई, कि किसान कुछ हद तक नाराज थे बीजेपी से, जिस वजह से कांग्रेस सत्ता में आई, और उनको लुभाने के लिए बीजेपी अपना हथियार आजमा चुकी है। वो 6,000 रुपये कहाँ तक काम आएंगे वो तो किसान जानते हैं, लेकिन उसकी कोशिश नज़र ज़रूर आती है। रोज़गार की अगर हम बात करें तो उनको भी मनाने के लिए अब मोदी जी ये कहते हैं कि आंकड़े नहीं हैं पर रोज़गार ज़रूर है, क्या कहेंगे आप? 5 साल से ये सरकार कहाँ थी, किसानों की क्यों नहीं याद आई इनको? जब इलेक्शन 1-2 महीना बचा हुआ था, जब इनको किसान याद आए, उसी समय इनको युवा बेरोजगार नज़र आए, उसी समय इनको कर्मचारी व्यापार और व्यापारी नज़र आए। नोटबंदी और GST ने आज देश को उस कगार पे खड़ा कर दिया है जहाँ से व्यापारी और कर्मचारी को कुछ दिखाई नहीं देता। आप युवाओं को रोज़गार देने की बात तो छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर का नोटबंदी के बाद और GST के बाद एक ऐसा माहौल हो गया देश में कि जो प्राइवेट सेक्टर में बच्चे, जो पढ़े लिखे हमारे प्राइवेट सेक्टर में युवा काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए। सरकारी नौकरी देने में तो ये कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, इतिहास गवाह है इस बात के लिए, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। अगर कांग्रेस आती है तो वो सरकारी नौकरियां मुहैया करा सकती है? देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर तरह के प्रयास और संभव प्रयास किए जाएंगे, और मेरा ये मानना है कि हमारे पास अनुभव है 70 साल का, और हमने किया है और आज भी हम वचनबद्ध हैं, करके दिखाएंगे, किसान मजदूर और दुकानदार के लिए नए सिरे से इतिहास लिखकर दिखाएंगे। धन्यवाद रमन जी, क्योंकि ये देखने वाली बात है जनाब कि आने वाले चुनाव में होगा क्या, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तारीखें डिक्लेयर हो चुकी हैं और 7 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन ये उसी तरीके से है जनाब जिस तरीके से एक परीक्षा का माहौल आ जाता है, और अब हर राजनीतिक पार्टी के लिए एक परीक्षा का माहौल है कि उन्होंने अपने समय में जो किया उसको किस तरीके से वो लोगों के सामने रखते हैं और किस तरीके से लोगों ने उन चीज़ों को समझा और महसूस किया। और जनाब, सत्ता पे वही पार्टी काबिज होगी जिसने अपने कार्यकाल में कुछ बेहतर कर दिखाया, लोगों के लिए बेहतर कर दिखाया।
عوام کی آواز میں جناب لوگوں کی رائے آپ تک ہم نے پہنچائے, راجنیتک پارٹیاں کیا سوچتی ہیں وہ رائے آپ تک پہنچی. ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے مسئلے کو لے کر, عوام کی رائے جانیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, نمسکار.